जहाँ पे आपको नदी पूरी अच्छी से दिखाई दे, ना बना थोड़ा बहुत तो दिखाई दे, ताकि आपके पास भागने का पूरा स्पेस रहे। वाओ, ये मेरा स्विमिंग पूल बन गया है, मस्त वाला स्विमिंग पूल, मजा आ गया। गर्मी को एंजॉय कीजिए, लेकिन जान को ध्यान में रखते, अपने आंखें नाक कान सब खुली रखिए। थोड़ा सा भी आपको बारिश की, आपको बेशक लग रहा हो कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऊपर को भी बारिश हो रही हो, ऊपर को तकड़ी बारिश हो रही हो सकती है। मजा आ रहा है नहाने में, एकदम से सतर्क हो जाना है, एकदम से नहाना है, एकदम से सतर्क हो जाना है। साबुन भी लेके आए हैं तो हम नहाते हैं साबुन से। ये तरीका मैंने दादाजी से सीखा था कि वो कहते थे कि अगर आपको पानी और साबुन का दोनों का अगर सही तरीके से यूज करने हैं तो आप ऐसे भी नहा सकते। ऐसे मैं नहा रहा हूँ, इससे भी आपका नहाना भी हो जाता है और कपड़े भी धो सकते हैं आप इस स्टाइल से अपने साथ साथ में। तो ये काम काफ़ी अच्छा आइडिया है, नहा भी सकते हैं और आप कपड़े भी धो सकते हैं ऐसे, है ना, तो आपका दोनों काम हो जाएगा ऐसे बराबर, है ना, तो आप ऐसे दोनों काम कर सकते हैं, आपके कपड़े भी साफ हो जाएंगे और आप नहा भी ढंग से लेंगे, तो दोनों काम आप आराम से कर सकते हैं ऐसे नहाते वक्त। लेकिन नदी में नहाते वक्त ये जरूर ध्यान देना है कहीं साबुन ना बह जाए। आप कपड़ों का जरूर ध्यान दे सकते हैं और मुंह पे साबुन आप ऐसे मत लगाइए कि आपको कुछ दिखाई ना दे। साबुन लगाते वक्त तो सर पे लगाइए और अगल बगल लगाइए, लेकिन आँखों में बिल्कुल भी साबुन ना लगाइए, क्योंकि आप ऐसी जगह नहा रहे हैं, यहाँ पे डेंजर इलाका है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी पानी आ सकता है, तो इसलिए ऐसी जगह में नहाते वक्त आँखों में बिल्कुल पानी ना लगाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अचानक से नदी आती है तो आप बह सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी आंखों में मिर्च है। और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर बिल्कुल बारिश हो रही हो सकती है। जो भी लाइव आ रहा है लेकिन कमेंट ही नहीं कर रहा है, क्या चक्कर हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, कमेंट वाला बॉक्स मेरा ऑफ है क्या? लाइव तो आए हैं लोग लेकिन कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो भी है एकदम से उठ जाना, ज़्यादा देर नहीं रहना है। मज़ा आ गया भाई साहब, ऐसा नहाने का मज़ा घर पे नहीं है, मेरा घर सामने है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है। मैं चाहता तो मैं वैसे आराम से भी नहा सकता था, लेकिन मैं इस बरसात का ये पहला मेरा नहाना नदी में, क्योंकि जून में तो यहाँ पानी था नहीं बिल्कुल भी, तो जुलाई में पानी आया है, तो ये पहला मेरा स्विमिंग का वो है अनुभव। वैसे पहला नहीं, मतलब इस नदी पे इस सीजन का पहला। वाह, मेरे घर वाले भी टेंशन में होंगे, करेंगे अभी तक आया नहीं करके। हाँ, मैं कमेंट देखूँ यार, कमेंट वाला सीजन ऑफ है क्या? मुझे लग रहा है कि कमेंट वाला सीजन ऑफ हो, नॉट टू प्राइवेसी गाइडेंस, कहीं मेरी कमेंट